सॉसेस से और चाइनीज में भी बनाया जाता है, तो बहुत ही टेस्टी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। स्पाइसेस में मैंने ब्लैक पेपर लिया है, अजीनोमोटो, सॉल्ट और हमारा टमाटो सॉस, चिली सॉस, दो तरह के सोया सॉस, एक मीठा वाला है और एक खट्टा वाला है, और उसके साथ ऑयल। ये देखिए अभी पानी उबल गया है, अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी और इसमें मैंने दो पैकेट नूडल्स को तोड़ के रखा है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया है, इसको हम लोग डाल देंगे। देखिए करीबन दो मिनट के बाद मैंने इसको बंद कर दिया है, ये थोड़ा सा हार्ड ही है, मैंने इसको बंद कर दिया। और अभी इसका मैं पानी स्ट्रेन करके फिर से ठंडा पानी डाल दूंगी और थोड़ा ऑयल डाल दूंगी। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा वोक लिया है। इसके लिए चाइनीज चीजों के लिए हमें थोड़ा स्पेशियस बर्तन चाहिए, ताकि हमारा चाइनीज चीजें अच्छे से वो सॉसेस वगैरह मिल जाए। तो अभी देखिए मैंने तेल गरम किया है, इसमें चॉप गार्लिक, ग्रीन चिली और जिंजर ऐड किया है। थोड़ा हाई फ्लेम रखिए। ये वर्क मुझे रजनी जी ने दिया था, वो जब इंडिया वापस जा रही थी, बोला था कि तुम तो काफी चीजें कुक करती हो तो तुमको तो चाहिए होगा। देखिए रजनी जी मैं अभी आपको याद कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें अभी पत्ता गोभी ऐड किया। इसको थोड़ा सॉटे करने के बाद मैं इसमें अभी ऑनियन ऐड करूंगी और उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, ताकि ऑनियन हमारा अच्छे से कुक हो जाए थोड़ा जल्दी इस तरह से। अभी मैं इसमें फ्रेंच बीन और कैरेट ऐड करूंगी। फ्लेम आप थोड़ा हाई रखिए, तो एक क्रंची सा टेस्ट आएगा और हमारा ये थोड़ा कुक भी हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा हॉट हो गया है, कैप्सिकम अभी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें येलो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, जितना कलरफुल बनाएंगे उतना बच्चों को ये पसंद आएगा। ये मैंने एक होटल में खाया था, क्लब राइस देके हमें लगा ये तो कुछ अलग है, ये ऑर्डर करते हैं, तो बहुत ही टेस्टी था। तो मैंने देखा उसमें नूडल्स और राइस दोनों को मिला के उसमें चाइनीज वे में इसको बनाया है, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आया, तो मैंने घर में ये ट्राई किया और तभी से ये हमारे घर में एक हिट डिश है। जिस जिसको मैंने खिलाया वो सबको पसंद आया है। ये मेरी एक फ्रेंड गगन है, उसने तो बोला आपका क्लब राइस का वीडियो अपलोड करोगे, मुझे वो देखना है। मैंने बोला कि मैं रेसिपी बता देती हूँ आपको, नहीं नहीं आप वीडियो ही अपलोड करो, मुझे वीडियो ही देखना है। तो गगन दिस रेसिपी इज डेडिकेटेड टू यू, फॉर यू। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये मैंने अपनी किटी ग्रुप में भी बनाया है, सबको मेरे फ्रेंड्स को पसंद आया, मैंने कितने फ्रेंड्स को बना के टेस्ट करवाया है। तो आप ये पक्का बनाइए, आपको जरूर पसंद आएगा। जब भी एक लेफ्ट ओवर राइस आपका बच जाएगा तो ये आप बना सकते हैं।
अभी देखिए मैं इसमें सारे सॉसेस ऐड करूंगी, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, ये थोड़ा खट्टा वाला सोया सॉस है, ये थोड़ा मीठा वाला, चाइना सॉस। इसको हम लोग अच्छे से मिला देंगे। सॉसेज डालने के बाद ये और अच्छे से कुक हो जाता है। इसमें आप लेफ्ट ओवर राइस यूज कीजिए, क्योंकि लेफ्ट ओवर राइस थोड़ा हार्ड रहता है, मैसी नहीं होगा आपका। देखिए मैं अभी इसमें राइस ऐड कर रही हूँ, या फिर अगर आप राइस बना रहे हैं फ्रेश वाला तो आप बना के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और उसको थोड़ा ठंडा कर दीजिए, फिर इसमें मिलाइए। अभी देखिए नूडल्स को भी मैंने पानी और ऑयल डाल के रखा था, वो कितना खिला खिला बना है। अभी इसको भी मैं ऐड कर दूंगी, अभी इसको अच्छे से मिला दें। ये हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा कुक करके उसको ऐसे खाते थे, लेकिन वो होटल जैसा टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक बार एक ट्रिक किया, इसको ऐसे बना के रखा, फिर थोड़ा सा पोर्शन मैंने लिया, थोड़ा ऑयल डाल के मैंने उसको फिर से सॉटे किया हाई फ्लेम में, तो होटल से भी बढ़िया बना। अभी देखिए वो कुक होने के बाद मैंने एक प्लेट में निकाल दिया सारा, फिर से मैंने ऑयल गरम किया है, थोड़ा सा पोर्शन लेके मैं अभी इसको डालूंगी। ऑयल पूरा हमारा गरम हो गया है, इसको हाई फ्लेम में ही मुझे इसे बातें करना है। मैं बीच में थोड़ा सा फ्लेम लो करती हूँ ताकि थोड़ा सा वो रोस्ट हो जाए तो एक क्रंची सा टेस्ट आता है, कैरमेल फ्लेवर भी आता है उससे, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी कभी अगर आप कोई बड़े पार्टी के लिए भी बना रहे हैं तो आप ये बना के रख लीजिए, और जब भी जैसे चाहिए आप ऑयल लेके थोड़ा ऑयल गरम करके फिर इसको डालिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए थोड़ी देर के बाद अच्छे से रोस्ट हो गया है, इससे क्रंची सा टेस्ट आएगा, ये और भी अच्छा लगेगा आपको। जैसे होटल में बनाते हैं नूडल्स बनाना है तो नूडल्स रखते हैं, फिर उसको जब हम नूडल्स ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा ऑयल लेके फिर सारा मसाला डाल के स्पाइसेस डाल के नूडल्स को फ्राई करते हैं, वैसे ही मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया है। बस अभी हमारा बन गया है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी हर रेसिपी की तरह पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।